नमस्कार, गुड डॉट किचन में आप सभी का स्वागत है। आप सबकी पॉपुलर डिमांड पर आज हम लेकर आए हैं प्रोटीज बर्फी की रेसिपी। तो चलें गुड डॉट शेफ द्वारा बनाना सीखें कि कैसे बनेगी ये टेस्टी और हेल्दी प्रोटीज की बर्फी। प्रोटीज बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम बेसन, 100 ग्राम गेहूं का आटा, 400 ग्राम चीनी, 250 ग्राम RCM राइस ब्रैन ऑयल, 75 ग्राम प्रोटीज, थोड़ी सी पिसी हुई इलायची, जावित्री, जायफल और पिस्ता। सबसे पहले एक बड़ी थाली में 200 ग्राम बेसन लें और उसमें डालें 100 ग्राम गेहूं का आटा। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 छोटे चम्मच RCM राइस ब्रैन ऑयल। अब इसमें डालें थोड़ा सा पानी, 3 छोटे चम्मच बहुत होगा। इस मिश्रण को अच्छे से मिला लें। जैसे ये मिश्रण अच्छे से मिल जाए, अब हम इससे बनाएंगे लड्डू। लड्डू किसी भी आकार के हो सकते हैं। इस पूरे मिश्रण से छोटे छोटे लड्डू अपने हाथों से बना लें। अब एक कढ़ाई में 5 बड़े चम्मच RCM राइस ब्रैन ऑयल लें। और इस तेल को अच्छे से गर्म होने दें। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, हम धीरे धीरे कर ये लड्डू इस तेल में डाल देंगे। लड्डू बनाकर अगर बेसन को पकाएंगे तो बेसन ज़्यादा अच्छे से भुनेगा और इससे जो बेसन के दाने होते हैं वो बहुत अच्छे से पक जाएंगे। बेसन जैसे जैसे पकता जाएगा, ये जो लड्डू हैं ये अपने आप बिखरते जाएंगे। सारे लड्डू एक साथ अंदर ना डालें, इनको धीरे धीरे कर इस तेल में डालें। और इस मिश्रण को लगातार हिलाते रहें ताकि हमारा बेसन नीचे ना लगे। जब बेसन अच्छे से पक जाए, अब हम इसमें डालेंगे 75 ग्राम प्रोटीज। हमने प्रोटीज को मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। प्रोटीज के पाउडर को अच्छे से बेसन में घुलने दें और इसको भी अच्छे से पका लें। अब हम बनाएंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप यानी कि चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 400 ग्राम चीनी और उस कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा पानी। चीनी को पानी में अच्छे से घुलने दें। जैसे ही चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए, एक उबाला आने का इंतजार करें।
उबाला आते ही अब हम इसमें डालेंगे हमारे बेसन और प्रोटीन का मिश्रण। इसे अच्छे से मिला लें। जैसे ही मिश्रण अच्छे से एक दूसरे में घुल जाए हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर, एक छोटा चम्मच जावित्री और एक छोटा चम्मच जायफल। इस मिश्रण को अच्छे से मिला लें। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, ये लगभग आधे घंटे में ठंडा हो जाएगा। आधे घंटे बाद इस मिश्रण को एक बड़ी थाली में निकाल लें और इसको अच्छे से उस थाल में फैला लें। ध्यान रहे ये ऊपर से एक जैसा हो। अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे। अब हमारी बर्फी जम गई है। हम इसे चाकू से छोटे छोटे इसके हिस्से कर लेंगे। आप चाहें तो इसका पिस्ता, काजू, बादाम, जिससे भी चाहें उससे इसको गार्निश कर सकते हैं। लीजिए हमारी स्वादिष्ट और हेल्दी प्रोटीज की बर्फी एकदम रेडी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट्स द्वारा हमें बताएं आपको हमारे प्रोडक्ट्स और हमारी रेसिपी कैसी लगी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।